नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष हूँ और मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें या सही लगें तो आप उन पर ज़रूर कमेंट करिए कि ताकि मुझे आगे भी चलकर ऐसी वीडियो बनाने पर मुझे एक प्रोत्साहन मिले। आज मैं जो समस्या आपके समक्ष लेकर आया हूँ वो एक बहुत बेहतरीन समस्या है, जिसको हम सभी एक बहुत कम कह सकते हैं, अपने हिसाब से मैं बहुत कम सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? अभी हाल ही में एक चुनाव बीता है, अपने साथ नगर पालिका के चुनाव बीते हैं। यहाँ खड़े उम्मीदवारों ने आपके साथ बहुत सारे ढेर सारे वादे किए, लेकिन वे अपने इस वादे को किस कदर पूरा करते हैं, अब ये बात देखने योग्य है। आइए बात करते हैं पडरौना नगर की। पडरौना नगर में एंट्री करेंगे और हॉस्पिटल जाएंगे या फिर किसी गलियों में जाएंगे तो वहाँ आपको एक बहुत बड़ा लाल मशीन का डब्बा दिखेगा, जिस पर जो वर्तमान है और पहले थे विनय जायसवाल जी, उनका पोस्टर होगा, साथ में योगी और मोदी जी का भी पोस्टर होगा। और वो टैंक ये दावा करता है कि हम आपको पेयजल सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन दोस्तों चुनाव के बाद ऐसा लगता है कि वास्तव में ये एक हाथी के दांत ही साबित हो रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं साबित हो रहे हैं। क्यों? अगर किसी समर्थक से पूछिए तो वो सब कुछ अच्छा ही बताता है। जैसे मैंने कहा था आपको कि लोगों के ऊपर विकास का चश्मा तो लगा है, वे अपनी खुली हुई आंखों से सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। आज शपथ ग्रहण हुए लगभग हमको लगता है 15 से 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आप अगर पडरौना में नेत्र चिकित्सालय पहुंचते हैं, जहां एक हब है, जहां लोग सैकड़ों मरीज लोग आते हैं, तो उनके पानी पीने की समस्या एकदम सामने बनी खड़ी रहती है। आपको बता दें वहां आरओ तो लगा हुआ है जो कि लाखों की करोड़ों की लाखों के लागत का लगा हुआ है, लेकिन अगर आप उसके नल को ऑन करते हैं तो उसमें से आपको एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। आखिर जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं, क्योंकि हम और आप केवल विकास का चश्मा लगा के घूम रहे हैं, जमीनी हकीकत को नहीं देख रहे हैं। हमें जमीनी हकीकत को देखना होगा और इसकी शिकायत करनी होगी। शिकायतों का समाधान नहीं होगा तो फिर शिकायत करनी होगी, लेकिन शिकायतें भी कब तक? एक जिम्मेदार, जिसको हम लोगों ने जिम्मेदारी दिया है, वो जिम्मेदार अपने घर पे सो रहा है या पूजा पाठ करवा रहा है या कुछ करवा रहा है, लेकिन आप ध्यान दें कि जरा इस तपती धूप में कोई व्यक्ति प्यासा हो और वो पानी की तलाश में उस टंकी तक चला जाए तो वो उन लगे हुए जो पोस्टर हैं उस पोस्टर को क्या करेगा? गाली देगा या नमस्कार करेगा? आप खुद अपने मन से सोच के बताएं। ये बहुत गहन समस्या है, क्योंकि धूप भी तेज हो रही है और आवागमन के साथ साथ लोगों को पानी की जरूरत पड़ती है। लोग जगह जगह प्याऊ लगवाते हैं, सिर्फ इसलिए लगवाते हैं लोगों का भला हो सके, और आपने लाखों की लागत के मशीनरी का सामान लगवाया और वो धूल फांक रहा है, इससे सर्वनाश चीज और कुछ नहीं हो सकती है। फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। नमस्कार।